हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे और आपको ओम्स लॉ बता दिया गया था। अब देखिए हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, जिसको कि हम लोग देखेंगे और वो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी और साइड बुक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपोनेंट एंड सिंबल्स। कंपोनेंट्स और सिंबल्स, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो होता है ये होता है, ये प्लस हो गया माइनस हो गया। बैटरी बोले तो कॉम्बिनेशन आप सेल कर दीजिए, इसी सेल को ऐसे बढ़ा दीजिए तो ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर इन दोनों का लाइनिंग सेम हो जाए, अगर दोनों की हाइट ये सेम हो जाए तो जानकारी के लिए बता दें इसको कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि हायर क्लास में आप पढ़ोगे। अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब कैपेसिटर होता है। तो देखिए बैटरी का ये सिंबल हो गया, तो और भी सिंबल देखिए, जैसे स्विच ओपन स्विच, स्विच ओपन, तो स्विच ओपन का सिंबल आपका ये हो गया। स्विच क्लोज, यहाँ पर इस तरह से करके दिखा दीजिए आप। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल देखिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं। फिर रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू और डिक्रीज और इंक्रीज होते रहे, या इसी को रोस्टेट बोलते हैं। रोस्टेट इसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस ना कैसे या कैरो दे दीजिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मतलब घटती बढ़ती रहे, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी घटती बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का। अमीटर, अमीटर का अगर दिखाना है सिंबल तो ए होता है अमीटर, इसको आप ऐसे ए लिख करके इधर प्लस दिखा दी इधर माइनस, ये इसकी पोलरिटी हो गई प्लस और माइनस, वैसे होता है वोल्ट मीटर। तो जैसे इसमें दिखाएं वैसे इसमें दिखा दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो कहने का मतलब कि ये आपके थोड़ा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हो गए, जो कि आपको आना चाहिए, इजी है, बार बार यूज होगा, समझ जाएंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्ट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो देखिए रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकेंड हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो थर्ड हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसको नोट कीजिए, ये तीन आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस जिस पर कि डिपेंड करता है, और इसको हम देखेंगे कैसे एक किस तरह से होता है। तो
तो इसमें अब आता है कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ा लिखेंगे, इफ लेंथ इंक्रीजे, जो लेंथ होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होता है, मतलब कि अगर लेंथ आप कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप इसको समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक कंडक्टर का लेंथ इतना है, एल है, और यही कंडक्टर का लेंथ यहाँ पर हम 12 कर दें तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। अभी इसको हम बताएंगे, फिल कराएंगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटाएंगे लेंथ तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। सेकेंड जो होगी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ये इन्वर्सली होगा 1/ रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब, या ये भी लिख सकते हैं आर करके, कि जो रेजिस्टेंस होगा इन्वर्सली होगा 1/ के, बात वही है, या इसको ऊपर या इसको नीचे कर लीजिए। ए मतलब स्टूडेंट हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको अगर आप समझिए तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसको भी हम समझेंगे कैसे। और नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या, कि मटेरियल कॉपर का है कि सिल्वर का है, वायर का, जो वायर आपका है वो एल्युमिनियम का वायर है, डिपेंड करेगा कि वायर किसका है, तो उसके अनुसार रेजिस्टेंस वेरी करेगा। लेकिन ये बात दो ध्यान रखिएगा कि लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, जैसे रुकावट, क्योंकि ये क्या करता है, ये रुकावट ही तो पैदा करता है, अपोज करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ओपनिंग है, जैसे यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा होल छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर मान लीजिए एंट्री है, यहाँ पर एग्जिट है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एंट्री करना है, इससे एंट्री करना है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये यहाँ का जो एरिया हो ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एरिया कम होगा तो एंट्री करना मुश्किल होगा, मतलब रुकावट, ये रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि उसमें आप कैसे एंट्री कर पाएंगे इतने ही कम जगह में। तो कहने का मतलब कि एरिया कम है तो आपको रुकावट ज़्यादा होगा, तो एरिया कम तो रुकावट ज़्यादा, तो एरिया कम तो रुकावट ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे फील कीजिए, देखिए कितना आसान है। अगर मान लीजिए कि इसी ओपनिंग को हम बड़ा कर दें, इसी ओपनिंग को बड़ा करने से क्या होगा कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो देखिए एरिया ज़्यादा है, आसानी से एंट्री कर जाएंगे, तो एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होने से रुकावट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आसानी से एंट्री कर जाएंगे, तो एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब रुकावट, एरिया ज़्यादा तो रुकावट कम हो जाएगा, आसानी से एंट्री कर जाएंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब रुकावट कम पैदा करेगा वो। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से आप फील कर पा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप इंट्री किए, और इंट्री करके अगर यहाँ पर लंबी डिस्टेंस है, आप खुद सोचिए कि अगर सफ़र लंबा है स्टूडेंट, अगर सफ़र लंबा है तो लंबे सफ़र में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो रुकावटें बहुत ज़्यादा आती है। अब ये सोचेंगे कि हमारा सफ़र जल्दी समाप्त हो जाए, मतलब कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस न चलना पड़े। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इंट्री है, यहाँ पर एक एग्जिट है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखिए तो किसमें लंबाई ज़्यादा है, लेंथ किसमें आपको चलना है ज़्यादा, इसमें लेंथ ज़्यादा चलना है। अगर इसमें लेंथ आपको ज़्यादा चलना है तो कन्फर्म बात है किसमें रुकावट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो रुकावटें भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो अगर वायर, इसको लेंथ मानिए कि ये वायर का लेंथ है, तो लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट को जो रेजिस्ट करे, अपोज करे। अब आप समझ गए होंगे कि इस एग्जांपल से कि कैसे एरिया जो होगा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब फील कीजिएगा उस कहानी को कि एरिया कम हुआ यहाँ पर, एरिया कम का मतलब क्या हुआ कि आप आसानी से एंट्री नहीं कर पाएंगे, मतलब रुकावट यहाँ पर होगी, तो एरिया कम तो रुकावट ज़्यादा। एरिया ज़्यादा हो गया, मतलब एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या कि ये ओपनिंग बड़ी हो गई, तो यहाँ से ओपनिंग जो है आप एंट्री कर सकते हो आसानी से, तो एरिया ज़्यादा तो एंट्री कर सकते हो, तो रुकावट कम पैदा करेगा। अब तो एरिया ज़्यादा तो रुकावट कम, तो एरिया ज़्यादा तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम। अब ये समझ गए होंगे कि ये इन्वर्सली कैसे हुआ और ये प्रोपोर्शनली कैसे हुआ। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान है। तो देखिए हमें इन दोनों से क्या बात मिला कि R जो होगा वो प्रोपोर्शनल L होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, मतलब लेंथ आप कंडक्टर जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब उतना रुकावट पैदा करेगा, जितना लेंथ आप चलेंगे उतना ही बाधाएं आएंगी, उतना ही रुकावट होगा। तो ये हो गया पहला
फर्स्ट देखिए कैसे बना, एकदम इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कैसे होता है, तो आपको हम फील दिला दिए। रेजिस्टेंस जो होगा वो एरिया के इन्वर्सली होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। अभी बताए थे आपको कि एरिया कम, तो एरिया कम तो छोटी सी ओपनिंग है तो रुकावट ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। अब तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसको कंबाइन कीजिए, तो अनकम्बाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए यहाँ से एक बन जाएगा फार्मूला, अनकम्बाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं तो देखिए आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए हो जाएगा। इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दिए, क्योंकि देखिए एल ऊपर था और ए नीचे था, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए फिजिक्स में एक कंस्टेंट आता है, कौन से कंस्टेंट का इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक कंस्टेंट आता है रो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको ये जो सिंबल होता है इसको आर एच ओ बोलते हैं, रो, रहो नहीं रहो मत बोलना, रो, इसको जल्दी में से बोलना रो। तो ये रो होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। हियर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या था, एग्जांपल आपको समझाई दिए थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हियर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यह अपने मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। अगर सिल्वर वायर है तो सिल्वर वायर चाहे छोटा हो, चाहे वो पतला हो या थिक हो या थिनर, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिल्वर वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, कॉपर वायर के फिक्स है, तो रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं हो सकती है। हर एक वायर की रेजिस्टिविटी निकाल ली गई है, एनसीईआरटी में उसका डेटा दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो रेजिस्टिविटी कहीं बदल नहीं सकती है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मटेरियल क्या है, कॉपर वायर हो सकता है, सिल्वर वायर हो सकता है। तो ये आर की वैल्यू आया रो एल बाई ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं कंडक्टर का। तो अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं रो को, और इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट करें। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए पर हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका देखते हैं कैसे में यूज करना है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए पर हम लोग देखेंगे, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं SI यूनिट रेजिस्टिविटी का। तो R इक्वल टू यहाँ पर है रो एल बाई ए, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बताइए क्या होगा, SI यूनिट ऑफ रो क्या होगा, कैसे आप निकालोगे रो का, क्योंकि यहाँ ही बच्चे गलती करते हैं। तो रो का जब आपको SI यूनिट निकालना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, आप सोचिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इक्वल टू ये क्या दिया आपका रो एल बाई ए दिया गया है, या नीचे वन मान लीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि आर का एम मल्टीप्लाई कर दिए, आर इंटू ए हो गया और एल नीचे आ गया। तो यहाँ पर आर का यूनिट क्या होता है ओम, तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा ओम मीटर आ जाएगा इसका, ये ओम मीटर डैश लगा देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर। ये स्टूडेंट आपका SI यूनिट है किसका, रो का। तो ये हो गया रो का SI यूनिट। जब भी आपको आए 4 ओम मीटर, अगर कहीं क्वेश्चन में दिखा मिले 4 ओम मीटर, तो आप समझ जाएंगे कि ये रो की वैल्यू दिया गया है 4, क्योंकि ओम मीटर किसका यूनिट होता है, रो का होता है। तो मीनिंग यह है कि अगर आपको इसमें क्वेश्चन मिले कि आपको रो पता है, एल पता है, ए पता है, तो आप इसका कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कैसे होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए रो पता रहेगा, एल पता रहेगा, एरिया। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है उठाते हैं, इसको बताइएगा। आई बताए थे कि यहाँ पर जो रो होता है ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। यहाँ पर एक वायर है, इसका लेंथ L है, ये थिन वायर बोला गया है,
और यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका भी लेंथ एल ही है, लेंथ हम सेम लेकर चल रहे हैं, लेंथ दोनों का एल ही है और ये थिक बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि आपका सिल्वर वायर है, ये भी सिल्वर वायर है। आपसे क्वेश्चन है, सोच कर बताइए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप सोच के बताइएगा किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपको इसका जवाब देना है। बताइए स्टूडेंट, क्या इसमें आप सोच पा रहे हैं? अभी हम बताए थे कि देखिए ये भी सिल्वर वायर का बना है, ये भी सिल्वर वायर का बना है, तो थीन है, ठीक है, इससे रेजिस्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। उसकी लेंथ क्या है बस हमें पता होना चाहिए कि ये सिल्वर वायर है, ये भी सिल्वर वायर ही है। इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी इज सेम, रो इज सेम फॉर बोथ, ये दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि वायर ठीक है कि थीन है, क्योंकि ये, हाँ, अगर ये सिल्वर का होता है, कॉपर का होता तब अलग अलग बात होती, लेकिन सिल्वर वायर ही है दोनों, तो क्योंकि मटेरियल तो सेम है सिल्वर का, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी आपकी सेम होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अब बताइए यहाँ पर अभी बताए थे फार्मूला आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था, तो रो तो सेम है दोनों के लिए, एल भी सेम ही है, एरिया पर बात आती है। देखिए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कम होगा तो रुकावट क्या होगा, एरिया कम होगा तो आसानी से एंट्री नहीं कर पाओगे, रुकावट ज़्यादा, तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो मतलब कि देखिए ध्यान से, एरिया कम है इसमें, एरिया क्या बताइए, मिनिमम है इसमें, एरिया इसमें मिनिमम है इसके कंपेयर में, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया मिनिमम, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस आ गया मैक्सिमम आ गया, यहाँ पर भी लगाइए फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए से, सोचिए रो सेमी है, एल सेमी है, डिपेंड करता है एरिया पर, तो देखिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर एरिया क्या है, मैक्सिमम है। अब एरिया मैक्सिमम है तो आप आसानी से एंट्री कर पाओगे, रुकावट कम होगी, तो एरिया मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस मिनिमम, रुकावट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्वेश्चन ये था, स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, बस ये समझिएगा कि दोनों सेम मटेरियल का था, सिल्वर वायर से बना हुआ था, सिल्वर था और एक थिन था एक थिक था, दोनों का लेंथ सेम था, बताना है कि रेजिस्टिविटी दोनों में किसकी अधिक होगी, तो रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम होगी, और किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम होगा और इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, देख लीजिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, बच्चों को परेशान कर देते हैं और बच्चे समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपकी वो सोच है, अगर आपने वो सोच पाल लिया है कि नहीं हम, क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया कि कुछ असफलताओं के बाद उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है जिसके कारण वो लोग हार मान जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डटे रहिए, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, बट मोर एंड मोर स्टडी नो अल्टीमेटली कन्फ्यूजन, आपको मोर एंड मोर स्टडी करना है, तब देखिएगा कोई आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन करना बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आप स्टडी को पढ़ाइए, मोर एंड मोर कीजिए, देखिए कोई कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं, वो बच्चे नहीं करते हैं, वो करना स्टार्ट कर दें तो कोई डाउट नहीं बचेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और देखिए कुछ हम वैल्यू लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया बुक में, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलिए या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसका नाम ही है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ हम सब्सटेंस की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लेकर आए हैं, जैसे यहाँ पर मटेरियल लिए हैं मटेरियल, और यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी लिखे हैं, रेजिस्टिविटी को लिया जा गया है ओम मीटर में, क्योंकि हम लोग हमेशा एसआई यूनिट में ही बात करेंगे ओम मीटर में। अब ध्यान से देखिए कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए का जो फार्मूला था स्टूडेंट, क्या था, यही था फार्मूला। अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गया, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो आप जानते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला कि आई इक्वल टू वी अपन आर, अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसका होता है, इंसुलेटर का ही होता होगा, क्योंकि कंडक्टर में तो करंट आसानी से पास कर सकती है, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता होगा, मिनिमम, तभी करंट क्या होता होगा, मैक्सिमम। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, कि अगर रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब कि जो मटेरियल होगा
मटेरियल जो होगा वो इंसुलेटर की तरफ जाएगा। रेजिस्टिविटी का मैक्सिमम होना मतलब क्या, रेजिस्टिविटी जितना मैक्सिमम होगी इसका मतलब कि उसमें करंट आसानी से पास नहीं कर पाएगा, और रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो इसका मतलब उसमें करंट आसानी से पास कर जाएगा। तो अगर रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है तो मटेरियल किसकी तरफ जाएगा, इंसुलेटर की तरफ जाएगा। और रेजिस्टिविटी अगर मिनिमम है तो रेजिस्टिविटी मिनिमम होने का मतलब ये है कि उस मटेरियल में करंट इजीली पास कर जाएगा, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा और ये कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा करने के लिए रेजिस्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ मटेरियल है जैसे सिल्वर, आप जानते हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि देखिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया कैसे, इसीलिए हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेरी करता है रेजिस्टिविटी। लेकिन हाँ, ये फिक्स टेम्परेचर पर बात कर रहा है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर की जो है डेटा यहाँ पर लिखे हैं 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब आप समझिए कि ये जो 10⁻ है निगेटिव पावर है, इसका मतलब कि वैल्यू बहुत छोटी है। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, और रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और करंट जानते हैं कि सिल्वर में बहुत आसानी से पास कर जाता है, सिल्वर में करंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए कॉपर वायर, तो कॉपर वायर की का भी अगर देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, तो कॉपर वायर का है 1.62, ज़्यादा अंतर नहीं है, 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इतिहास देखिए तो ये कंडक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और भी सब है लेकिन हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है, क्योंकि पावर माइनस में रेजिस्टिविटी कम होगा। क्यों कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, और कंडक्टर में करंट आसानी से फ्लो करता है। और देखिए इसमें कुछ हम लिखे हैं उसका देख लेते हैं, जैसे नाइक्रोम और मैग्नीन, आपका जो हीटर में वायर यूज होता है नाइक्रोम का वायर और मैग्नीन, ये एलॉय होता है मैग्नीन, ये एलॉय है, इसमें मेटल्स मिलाए जाते हैं तो ये एलॉय है। तो इसका देखा गया रेजिस्टिविटी तो कितना है, 100 × 10⁻⁶, और यहाँ पर है 44 × 10⁻⁶ ओम मीटर। तो देखिए ध्यान से, तो इसका तो क्या है, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ये 100 है, क्योंकि ये तो सेम है, तो कंपेयर इससे कीजिए, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो देखिए इनसे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पावर -6 है, तो रेजिस्टिविटी देखिए बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए नाइक्रोम वायर में करंट आसानी से पास नहीं करता है, क्योंकि ये एलॉय है। और देखिए हम ग्लास ले लिए, अब जैसे ग्लास हो गया आपका और हार्ड रबर हो गया, तो अब ये तो आपके इंसुलेटर हो गए, और वैसे भी तो ये इंसुलेटर का एग्जांपल है। तो अब बताइए इंसुलेटर में इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखा गया तो इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁰ और 10⁻⁴ के बीच में वैरी करती है। देखिए मैक्स ये पावर पॉजिटिव में आ गया, इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻³ से 10⁻⁶ के बीच में वैरी करती है, तो मैक्सिमम 10⁻⁶। इसीलिए बोलते हैं कि रबर जो होता है एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो जो हैंड ग्लोव पहनते हैं वो रबर का ही पहनते हैं। अब देखिए ध्यान से कि इसमें ये जो पावर है ये पॉजिटिव में पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब जब रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट बहुत कम, इतना कम कि वो मान लीजिए 0 की ओर ट्रेंड कर जाएगा। तो ये होता है रेजिस्टिविटी का मतलब। रेजिस्टिविटी हमें ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना कंडक्टर है, कितना इंसुलेटर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली 1/कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा, रेजिस्टिविटी 1/कंडक्टिविटी इन्वर्सली कंडक्टिविटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टर होगा। बताइए रेजिस्टिविटी कम कहाँ पर है, इसका देखिए पावर नेगेटिव तो इसकी रेजिस्टिविटी कम है, अगर रेजिस्टिविटी इसकी कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब वो मोर कंडक्टर होगा, इसीलिए सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है। अब आप समझ गए हैं कि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है। अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, मतलब वो कंडक्टर होगा ही नहीं, वो इंसुलेटर बन जाएगा। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, देखिए ग्लास और हार्ड रबर की पावर प्लस में है तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, मतलब कंडक्टर कम है, मतलब इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर होता ही है।
तो स्टूडेंट ये कुछ डेटा था वैल्यू से हम समझा दिए आपको, अब आपको फील आ गया होगा कि नहीं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तो आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और इस पर हम लोग आर इक्वल टू रो एल बाई ए पर हम लोग इसी पर अगले लेक्चर में प्रॉब्लम करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रहेगा और आपको हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन देंगे। बस आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।